क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है क्योंकि ए इससे हम ज्यादा कार्य कर सकते हैं, बी इससे हमारी सेहत में सुधार होता है, सी इससे हमारी फैसला लेने की क्षमता बढ़ती है, डी इससे हमें रोजगार मिलता है। लिखो जल्दी और चेक करो, जब ये लिख लेंगे फिर ये इधर लिखा जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है क्योंकि ए इससे हम ज्यादा कार्य कर सकते हैं, बी इससे हमारी सेहत में सुधार होता है, सी इससे हमारी फैसला लेने की क्षमता बढ़ती है, डी इससे हमें रोजगार मिलता है। जल्दी लिखो, नहीं लिखना तो आगे देखो आप जो रह जाता है आगे देते हैं, जिसे लिख दिया वो हाथ खड़ा कर दो ना, क्या हमने लिख दिया। सबका सी लिखो। अब देखो दूसरा, और राइट आंसर भी सी है, सबको टिक कर देना। दूसरा क्वेश्चन है, क्रिटिकल थिंकर नहीं करता ए एनालिसिस, बी अवैल्यूएशन, सी क्विक एक्शन, डी नन ऑफ द अबव। लिखो जल्दी। लिख लिया सबने? देखो देखो जल्दी, घूमते रहो, दिखाओ और आगे चलो। लिख लिया सबने? इनका पूछ लेते हैं आप, इन्होंने लिख लिया क्या? सी। लिखो आपका हाउस इको विजडम का सी लिखो, आपका हाउस इको को इधर खड़े होना चाहिए था। चलो ठीक है, इको का क्या है? पीस का सी, वेलबींग का ए, देख लो उधर यही है, ठीक लिखा है ना आपका, और इसका राइट आंसर है सी। सी को टिक कर दो, बाकी क्रॉस कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 3, एनालिसिस का मतलब होता है हिंदी में ए मूल्यांकन, बी निष्पक्ष, सी विचार, डी विश्लेषण। लिखो जल्दी। आगे देखो जो लिखेंगे इनसे पूछ लेंगे। एनालिसिस का मतलब होता है ए मूल्यांकन, बी निष्पक्ष, सी विचार, डी विश्लेषण। लिखा किसी ने? आर्यन लिखो, लिखो, लिखना है नहीं तो फिर बोल दो नहीं लिखना। आपने लिखना है कुछ? लिखो जल्दी लिखो। आर्यन लिखा किसी ने? दोनों ने लिखा है। आपने नहीं लिखना? आपने भी नहीं लिखना? लिखना है, बोलो अपना। इनका सी लिखो, हाउस वेलबींग का सी, हाउस 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 विजडम का बी, इको का बी, हाउस पीस का नहीं लिखो, पीस का डैश डाल दो। और इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का डी, डी लिखो राइट आंसर में, और डी किसी का नहीं है, सबका क्रॉस कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब इनमें से क्या क्रिटिकल थिंकिंग का बेनिफिट नहीं है ए इंप्रूवमेंट इन क्रिएटिविटी, बी इंप्रूवमेंट इन आवर हैंडराइटिंग, सी इंप्रूवमेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डी इंप्रूवमेंट इन रिसर्च स्किल। लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा सुन लो, इनमें से क्या क्रिटिकल थिंकिंग का बेनिफिट नहीं है ए इंप्रूवमेंट इन क्रिएटिविटी, बी इंप्रूवमेंट इन आवर हैंडराइटिंग, सी इंप्रूवमेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डी इंप्रूवमेंट इन रिसर्च स्किल।
लिख लिया सबने? इको बोलो क्या है आपका, लिखो इको का बी, पीस का बी, विजडम का बी, वेलबींग का बी, सबका बी लिखो और राइट आंसर भी बी है। अब क्वेश्चन नंबर 5, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर होती है जब ए हम खेल में हिस्सा लें, बी हम पिकनिक जाएं, सी हम सुबह जल्दी जागें, डी हम प्रातःकाल भ्रमण करें। लिखो जल्दी, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर होती है जब ए हम खेल में हिस्सा लें, बी हम पिकनिक जाएं, सी हम सुबह जल्दी जागें, डी हम प्रातःकाल भ्रमण करें। देखो देखो लिखा है, आपने लिख लिया अदिति, आपने रितिका, हाउस पीस का बोलो, इको का वेलबींग, विजडम का सी लिखो, इको इको का डी और हाउस वेलबींग का सी, देख लो ठीक लिखा है अपना अपना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 5, 5 का राइट आंसर है ए, ए को टिक करो बाकी क्रॉस। क्या बोला था क्वेश्चन, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर होती है जब ये था ए हम खेल में हिस्सा लें, ठीक है ये था राइट आंसर, बी था हम पिकनिक जाएं, हम सुबह जल्दी जागें, हम प्रातःकाल भ्रमण करें, ये 3 ऑप्शन नहीं है राइट। खेल खेलने से क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर होती है। अब क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जेक्टिव का हिंदी में क्या अर्थ होता है, ए रिक्त, बी मर्जी, सी लघु, डी निष्पक्ष। बोलना नहीं है, दूसरा सुन के वो भी बता देगा। आगे देखो, जिन्होंने लिख लिया हाथ ऊपर करें। अच्छा, हाउस विजडम, विजडम का ए, ए लिखो विजडम का, हाउस इको का सी, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव का हिंदी में मतलब क्या होता है, ए रिक्त, बी मर्जी, सी लघु, डी निष्पक्ष। अदिति आपने लिखा है, हाउस वेलबींग का बोलो ना, बी वेलबींग का बी लिखो, बी हाँ जी, पीस का भी बी, सबका हो गया। इसका राइट आंसर है डी, निष्पक्ष मतलब होता है ऑब्जेक्टिव का। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से क्या क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर करने का तरीका नहीं है, ए गार्डनिंग, बी रीडिंग बुक्स, सी प्लेइंग गेम्स, डी सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। दोबारा सुन लो, इनमें से क्या क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर करने का तरीका नहीं है, ए गार्डनिंग, बी रीडिंग बुक्स, सी प्लेइंग गेम्स, डी सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। जिन्होंने लिखा हाथ ऊपर करें, जल्दी लिखो, आप हाउस बोलो और अपना ऑप्शन बोलो। इको का ए, पीस का भी ए, विजडम का भी ए, विजडम का भी ए, वेलबींग का भी ए और राइट आंसर भी ए लिखो, सबका टिक कर दो। अब लास्ट क्वेश्चन है, हमें क्रिटिकली सोचना सीखना चाहिए ताकि ए हम हर चीज की कमी निकाल सकें, बी हम अपने मसले सुलझा सकें, सी हम दूसरों का हर स्थिति में विरोध कर सकें, डी ऑल ऑफ दी अबव। एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमें क्रिटिकली सोचना सीखना चाहिए ताकि ए हम हर चीज की कमी निकाल सकें, बी हम अपने मसले सुलझा सकें, सी हम दूसरों का हर स्थिति में विरोध कर सकें,
डी ऑल ऑफ द अबव, जिन्होंने लिखा हाथ ऊपर बोलो नहीं, अभी एक का हो गया, लिखो लिखो जल्दी। लिख लिया इको डी, इको का डी, पीस का, पीस का भी डी। हमें क्रिटिकली सोचना सीखना चाहिए ताकि ए हम हर चीज की कमी निकाल सके, बी हम अपने मसले सुलझा सके, सी हम दूसरों का हर स्थिति में विरोध कर सके, डी ऑल ऑफ द अबव। विजडम बोलो, बी, विजडम का बी लिखो, और वेलबींग का ए, वेलबींग का ए लिखो, और इसका राइट है बी, अपने मसले सुलझा सके, इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग हमारी होनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या रिजल्ट है। अच्छा, इसके देखो, इसको में एक दो तीन चार, चार ठीक है, चार के बने 50, ठीक है ना, फिर कट होंगे, गलत कितने हैं, एक दो तीन चार गलत, 10 कट हो गए, कितने बचे 40, 50 माइनस 10, पीस का एक दो तीन चार, इनके चार ठीक, गलत इनके तीन है, तो इनके डाइस नंबर इनसे ज्यादा, चार ठीक है, इनका गलत तो नहीं हो गया, ठीक है, 50 इनके ठीक और 7.5 कट हो गए, 42.5 सही के हैं, 12.5 गलत का माइनस 2.5, ठीक है। अब इनका एक दो तीन चार पांच, पांच ठीक है, तो 12.5 बजे 62.5, ठीक है, माइनस कितना होगा, एक दो तीन, 7.5 माइनस हो गए कितने, 55 बचे। और बेलबीन का एक दो तीन, तीन ठीक, कितने बने, तीन 12 3 36 और डेढ़ और 37.5 माइनस एक दो तीन चार पांच गलत, 2.5 × 5 12.5 माइनस हो गए, 12.5 कितने बचे, 25। तो आज थोड़ा लगता है क्वेश्चन मुश्किल थे, इसलिए इतने ज्यादा मार्क्स आपके नहीं आए हैं, नहीं तो कई बार 100-100 भी आए हैं। तो फर्स्ट रहा है ये 55 विजडम, क्लैपिंग विजडम के लिए आप कौन सा है विजडम, ठीक है, पहली बार जीता है आपने, दूसरी बार, चौथी बार, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड 42.5 पीस, हाथ ऊपर करें, और थर्ड इको करो राष्ट्रगान करो।